ऋषि भाई आ गए, देखा? सॉरी। तनुजा को बहुत मिस कर रहे हो? हाँ, क्योंकि तनुजा को गिफ्ट दिया हुआ ब्रोच जो तुमने पहना है। मतलब तनुजा चली गई, पर मतलब याद देता हूँ, मतलब ये कमबख्त दिल है कि मानता नहीं। पता नहीं कहाँ होगी वो। मिस्टर पूरब, सर आप बताएंगे इस पार्टी में क्यों आए हैं? आपके आने की वजह क्या है? सर प्लीज बताइए ना। सर प्लीज सर बताइए ना। सर वन बाइट प्लीज। कैन यू से समथिंग अबाउट इंडियन बिजनेस? श्योर ब्यूटीफुल, बट आफ्टर दिस अनाउंसमेंट जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, व्हाई डोंट यू मीट मी आफ्टर दिस? आई विल गिव यू ऑल द बाइट्स यू नीड। ओके Excuse me. Sir, one bite. Sir, one bite. Sir, please, one bite. Sir, please, one bite. Rishi, I hope जो धोखा तुम्हारे बाप ने दिया, वो तुम नहीं दोगे। अभी भी कोई शक? मैंने पेपर साइन कर दिए ना? Yes, I know. But उसकी वैल्यू तब होगी जब कोर्ट में रजिस्टर्ड होगा ये सब। I know. But even you should know कि कोर्ट का मामला है। दो तीन दिन में रजिस्ट्री हो जाएगी। हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं हुई तो तुम्हारे और मेरे बाप की पोल सारी दुनिया के सामने खोल दूंगा। रिलैक्स, मैं तुम्हें विशेष तुम्हारी धमकियों को देखकर नहीं दे रहा हूं। मुझे लगता है कि जेन्युइनली कि तुमने बहुत तकलीफें सही है। बस बुरा मत मानो यार, एक्चुअली जिंदगी में इतने धोखे खाए ना कि अब किसी पे भरोसा नहीं होता, तो सोचा कि पूछ ही लेता हूं। कम ऑन, लेट्स स्माइल फॉर द कैमरास। हां देख रहे हो मीडिया कितना क्यूरियस है इस अनाउंसमेंट को लेकर। कम ऑन, लेट्स डू दिस। आज मेरा दिल इतना क्यों धड़क रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है मानो मानो जैसे कुछ तो होने वाला है, कुछ अजीब सा। Excuse me, ladies and gentlemen, आप सभी सोच रहे हैं कि आज ये पार्टी किस लिए है? Well, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूं। और आज यहां बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत
जाने माने बड़े लोग, इनफैक्ट पूरी मीडिया भी यहां पर है। ये पार्टी एक किसी खास वजह से, किसी खास इंसान के लिए है। सो पूरा वोरा, कैन यू प्लीज जॉइन मी ऑन स्टेज? वेल, मैंने फैसला किया है कि हमारी कंपनी बेदी एंटरप्राइजेस इनकी कंपनी के साथ मर्ज होने जाएगी। जी, आप लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल सही सुना है। और 51% शेयर्स जो है हमारी कंपनी के, वो मैं इन्हें देने वाला हूं। गाइज, गाइज, आप सब लोग इतने शॉक्ड क्यों हैं? आई नो कि मैंने मिस्टर ऋषि सिंह बेदी को रिश्वत देने के जुर्म में जेल भिजवा दिया था, बट आप लोगों ने शायद वो केस फॉलो नहीं किया। मैंने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है। इट वॉज जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग, नथिंग एल्स। क्या तुम वही देख रही हो जो मैं देख रही हूँ? हाँ। क्या ये वही है? हाँ, वही है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? पता नहीं। ये कौवा हंस कैसे बन गए? मनु आंटी, तो पुराने जमाने की हीरोइन थी, सडनली आलिया भट्ट कैसे बन गई? इस जन्म में लड़की इस घर का पीछा नहीं छोड़ेगी। कुछ नहीं, कुछ नहीं कहा। गाइस, गाइस, कम ऑन, फोकस, इधर देखिए। मैं और ऋषि आज यहाँ जिस मेजर अनाउंसमेंट के लिए मिले हैं उस पे फोकस कीजिए ना। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। मिस्टर ऋषि सिंह बेदी ने अपनी कंपनी के 51% शेयर्स मेरे नाम कर दिए। यू कैन से कि आज से आई एम द ओनर ऑफ ऑल हिज कंपनीज। ऋषि ने पेपर्स पे साइन कर दिया है जिनकी कॉपीज थोड़ी देर में आपको डिस्प्यूट की जाएंगी।
मैं नहीं चाहता कि कल न्यूज़पेपर में कोई भी गलत खबर छपे. द हेडलाइन शुड रीड पूरब वोरा द न्यू ओनर ऑफ बेदी एंटरप्राइजेस. सो द डील इज डन. एक्सक्यूज मी. द डील इज नॉट डन क्योंकि मेरी अनाउंसमेंट अभी बाकी है. एक्चुअली मैं भी नहीं चाहती कि कल मीडिया में कोई भी गलत न्यूज आए और फिर उसके लिए मुझे सबको क्लैरिफिकेशंस देने पड़े. और वो ओनर है तनुजा. तनुजा तनुजा यानी कि मैं तनुजा तनुजा सिंह सिंह बेदी बेदी. This is ridiculous. This is impossible. हो ही नहीं सकता ये. What? What is impossible? Nothing is impossible, right? Listen, ये जो तुम्हारा नाटक है ना, ये कहीं और जाके दिखाओ. समझी ना? तुम बेदी एंटरप्राइजेस की ओनर हो ही नहीं सकती. नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बेदी एंटरप्राइजेस का ओनर सिर्फ एक आदमी है, ऋषि सिंह बेदी, इस घर का बड़ा बेटा, जिसने खुद सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम की है, 51% शेयर मेरे नाम किए, साइन किए और खुद अपनी मर्जी से किए. तुम इसे बदल नहीं सकती, समझी? You're mistaken. क्या नाम है आपका? मिस्टर पूरब बोरा. यू आर हाईली मिस्टेकन. मैं ऋषि को कहां रोक रही हूं? ऋषि जो चाहे तुम्हें दे सकता है, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी से नहीं. I mean, बेदी एंटरप्राइजेस से कुछ भी नहीं जो अब मेरी है, ऋषि की नहीं. मैंने कहा था ना कि चीटिंग होगी, धोखा होगा. हो गया ना धोखा? बिल्कुल तुम्हारे बाप की तरह. एक मिनट, ये लड़की झूठ बोल रही है. ऋषि ने किसी प्रॉपर्टी के पेपर्स में साइन नहीं किए. मेरा ऋषि कभी झूठ नहीं बोलता. आई होप आप जो कह रही हैं वो सच हो. क्या बोला आपने कि ये प्रॉपर्टी आपकी है? व्हाई डोंट यू प्रूव इट? मैं जानती थी तुम जैसा छोटा इंसान जो दूसरों पे शक करे उसको प्रूफ की जरूरत जरूर पड़े. यू नीड प्रूफ, राइट? आई विल गेट इट. प्रीति, ये रहा प्रूफ.
पढ़ लो, इत्मीनान से पढ़ लो, एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़ लो। इट्स ऑल योर्स। जैसा कि आप सबने देख ही लिया है कि मैंने मिस्टर पूरा बोरा को प्रूफ दे दिया है, जिसे वो बहुत ही ध्यान से पढ़ रहे हैं। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, पार्टी ओवर हो जाने के बाद प्लीज ये जो प्रूफ है इनके पेपर्स को थोड़ा एनलार्ज करके, थोड़ा जूम इन करके ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं आप सबको बता दूं कि इन पेपर्स में क्या लिखा है। इन पेपर्स में यही लिखा है कि ऋषि सिंह बेदी ने खुद अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। है ना ऋषि? नो 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 नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये नकली पेपर्स है। These papers are fake, इन्होंने पता नहीं कैसे। जानती थी मैं, तुम जैसे लोग जब ऐसे प्रॉपर्टी पेपर्स पे अपना नाम नहीं देखते हैं तो वो ऐसे ही तिलमिला जाते हैं, ऐसे ही बिहेव करते हैं। बट लेट मी टेल यू, ये लीगल पेपर्स हैं, सो ऑब्वियसली ये सही पेपर्स हैं। अब प्लीज तुम इंडियन कानून को ब्लेम मत करना। आई विल नॉट लाइक इट बिकॉज आई लव माय कंट्री। I love India. अच्छा, by the way, अगर तुम इनमें थोड़ा सा भी doubt है तो तुम अपने lawyers के साथ ये cross check करवा सकते हो if you want, but not now, please. यहाँ मेरे guests आए हुए हैं, वो upset हो जाएंगे. They'll get bored. What? Why are you so shocked? ये property मेरी है, ये घर मेरा है, तो घर आए मेहमान भी मेरे हुए ना. Excuse me. तुमने पेपर्स पर साइन किए? नहीं ना, तुम जाओ रुको से, बंद कर उसका लेक्चर, जाओ ऋषि, जाओ। हाँ जाता हूं। तनुजा, तनुजा। यस स्वीटा। तुमसे बात करना है। एक्सक्यूज मी गाइस, पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक ये सारा कंफ्यूजन, ये ड्रामा खत्म नहीं हो जाता, पार्टी कैसे खत्म होगी? तो जितने लोग भी इस फैमिली से रिलेटेड है उनके लिए गॉसिप बाकी है, जितने भी लोग इस बिजनेस से रिलेटेड है उनके लिए और भी ज्यादा बिजनेस और डील्स बाकी है। तो प्लीज स्टे बैक। मेरे आने से पहले अगर इस पार्टी से कोई भी गया तो उसके लिए परमानेंटली गुड बाय हो जाएगा। फिर उसके साथ नो बिजनेस, नो डील्स एंड नो रिश्ता। सो प्लीज स्टे बैक एंड मेक दिस पार्टी द बेस्ट पार्टी ऑफ 2017। मतलब 20 दिन तक तुम कहां थी? मतलब बिल्कुल लापता थी। तुम जानती हो मैंने तुम्हें कितना मिस किया, 100 बार तुम्हारा वो तुम्हारी वो चिट्ठी पढ़ चुका हूं पागलों की तरह। तुम मतलब कहां थी? मैं तुम्हारे उस बानी मियां के घर गया जिनसे मैं इतनी नफरत करता हूं, ये सोचकर कि कहीं उन्होंने तुम्हें किडनैप तो नहीं कर लिया। उन्हें डराया धमकाया पर तुम वहां भी नहीं थी। फिर पता लगा कि किसी लड़की का एक्सीडेंट हुआ जिसकी शक्ल तुमसे मिलती है, मेरी तो जान निकल गई यार। फिर शहर के सारे हॉस्पिटल देखे तुम, मतलब सब जगह छान मारा, तुम वहां भी नहीं निकली। तुम कहां थी यार? तुम मतलब तुम आई हो तो तुम ऐसे मतलब ऐसे क्यों वापस आई? मतलब इस तरह किस तरह? मतलब मैं परफेक्ट हूं, फिट एंड फाइन हूं, पहले से ज्यादा स्वीट स्मार्ट कॉन्फिडेंट हूं। क्यों, तुम्हें अच्छी नहीं लग रही? अच्छी तो लग रही नहीं। तुम ऐसे क्यों लग रही हो? तुम अच्छी क्यों लग रही हो? नहीं मतलब तुमने जो नीचे किया ये सब क्यों किया? तुमने ये सब क्यों किया? किसलिए किया? तुम जानती हो प्रॉपर्टी नहीं मैंने, क्या मैंने कभी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे की है?
कभी ऐसे कुछ पेपर वगैरह साइन किया नहीं ना, तो फिर तुम सबके सामने सब क्लेम क्यों किया? वो मीडिया के सामने इतनी बड़ी मुश्किल हो सकती जो तुम्हारा नहीं है वो। जो तुम्हारा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तुम्हारा है, यही कहा था ना तुमने शादी के बाद। तो बस फिर तुम्हारा जो कुछ भी है वो सब कुछ मैंने अपने नाम ट्रांसफर करवा दिया। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.